पीछे पीछे वाला है फॉक्स फेस, उसमें एक तो बटरफ्लाई है, केलिन बटरफ्लाई और कूपर स्टैंग भी है, और उधर एक तो है वो है सिंगापुर एंजल। सिंगापुर एंजल हाँ। और सामने ये वाला का नाम क्या है? फॉक्स। हाँ, ये वाला वाला का फॉक्स फेस है, फॉक्स फेस, और वो वाला का कूपर स्टैंग है। अच्छा, थोड़ा प्राइस का अंदाज दीजिए, मतलब फॉक्स फेक्स जो फॉक्स फेक्स अप्रोक्सीमेट 2200 से 2500 में आता है, ठीक है, फीडिंग कंडीशन में होगा और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और वो सिंगापुर वाला एंजल, सिंगापुर एंजल आपको 1800 अच्छा अप्रोक्सीमेट दाम है, इधर उधर हो सकते 100-200 रुपये। और इधर भी होलसेल और रिटेल बहुत, मतलब दोनों ही होते हैं? दोनों ही होते हैं। कुछ है डॉक्टर रेस, ये है डॉक्टर रेस, ये 500 से 700 तक वेरी करता है, ठीक है, उसका बगल में है पाकिस्तानी बटरफ्लाई, वो 500 से 600 तक वेरी करता है। मतलब कौन सा वाला? थोड़ा हाथ, ये वाला है बटरफ्लाई, पाकिस्तानी बटरफ्लाई, बड़ा वाला, बड़ा वाला वो 500 से 700 तक वेरी करता है। और एकदम पीछे, वो पीछे है क्लाउन टैंक, वो आपका 1800 से 2500 तक वेरी करता है साइज के ऊपर, मतलब ए वाला। हाँ, वो वाला उधर भी है एक तो बड़ा साइज में। और ये वाला जो क्लाउन है, ये है सुपर ब्लैक स्नोफ्लेक क्लाउन, एक्सोटिक है, इसका दाम है 7000 पर पीस। यस, इतना ज्यादा क्यों है? वो एकदम एक्सोटिक है। अच्छा। और साइज भी बहुत बढ़िया है, सुपर स्नोफ्लेक है, वो कैप्टिव ब्रीड म्यूटेशन है। ओ, म्यूटेशन। हाँ। इसलिए दाम ज्यादा, दाम ज्यादा है, और साइज भी बहुत बड़ा है, और सर एक्सोटिक है। और ए वाला भी एक तो बटरफ्लाई है, इसको क्लेन बटरफ्लाई 1600 से 2000 तक वेरी करता है। और यह भी एक तो एक्सोटिक क्लाउन है, वो सेम प्राइस है उसका। और पीछे बाइकलर एंजल है, वो 1500 से 1800 तक वेरी करता है, कभी कभी 2000 तक भी आता है, साइज के ऊपर दाम है उसका। और है कूपर स्टैंग, वो पहले भी बोला है, और पीछे फिल्टर का नीचे और कूपर स्टैंग है, और एक तो डॉटी बैग है, डॉटी बैग, और ये पर्पल कलर का, पर्पल वो 1000 से 1500 रुपये तक भरी करते हैं। और ये वाला है गोल्डन हेड बटरफ्लाई, ये 1600 प्राइस है अभी, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर में बड़ा साइज में भी है, ये वाला गोल्डन हेड बड़ा साइज में भी है। ये वाला है थ्रेड फिन बटरफ्लाई, वो 800 से 1000 तक वेरी करता है, ठीक है। और वो वाला है कॉपर बैंड बटरफ्लाई पीछे, वो आपका 1500 से 1800 या 2000 तक वेरी करता है। और उसका नीचे है रेडिएटर लायन फिश क्लियर फिन, उसका 2000 से 2500 तक वेरी करता है। क्लाउन का मतलब ए वाला है इंडियन ओशन का सीबे क्लाउन, इसका नाम है, 350 से 500 तक वेरी करता है। सीबे क्लाउन बोलते हैं, सीबे क्लाउन बोलते हैं इसको। और ए वाला, ओ वाला एक तो टैंक है, वाइट वाइट क्लियर टैंक बोलते हैं उसको, या माता टैंक भी बोलते हैं इसको, तो उसका दाम 500 रुपीज है। और ए वाला, ए वाला है रेड सी का योलो वैली रिगल एंजल स्ट्रॉन्ग कलर, इसका 4500 से 5000 तक वेरी करते हैं। और नीचे छोटा छोटा जो मछली है वो डैमसेल है, डैमसेल है। हाँ। और ये टैंक में कुछ ये जो है? ये जो बटरफ्लाई सामने दिख रहा है, ये बटरफ्लाई थोड़ा एक्सोटिक है, कम मिलता है, और 2500 दाम है। और पीछे है ब्लैक पर्कुलर क्लाउन, वो भी कम मिलता है ओशन का, इसका 4500 से 5000 तक दाम वेरी करता है। पीछे वाला, पीछे वाला ब्लैक पर्पलर। और स्काइप, और ये सामने है मोरिश आइडल, 1000 से 1200 तक वेरी करता है। और ये वाला, वो वाला एंथियस है, वो 1200 से 1500 तक वेरी करता है। एंथियस, हाँ,
और आपका पास मेरीन फिश का खाना मिल जाएगा? मेरे पास मेरीन फिश का खाना मिल जाएगा। और इधर छोटा सा इसका एक क्लाउन का नाम क्या है? ये बहुत पॉपुलर है, इसको न्यू क्लाउन बोलते हैं, पॉपुलर क्लाउन बोलते हैं। हाँ, तो एक क्लाउन ओशन का है, ज़्यादा से ज़्यादा ओशन का क्लाउन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, बट ये लोग बहुत स्ट्रांग है, ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टिव ब्रीड आता है, उसका कलर अच्छा नहीं होता है। और नीचे एक कलर का वो है, गोल्ड बेली डैमसेल है, 600 रुपीज दाम है। इसका टेल ऑरेंज कलर का होगा, जितना बड़ा होगा, ऑरेंज टेल एम्परर है। और इधर भी सेम है, सेम। और ये वाला का नाम क्या है? ये वाला इंडियन ओशन का डैमसेल है, उसको थ्री स्पॉट डैमसेल बोलता है। थ्री स्पॉट डैमसेल, हाँ। और इधर भी सेम है, सेम। देखिए ये स्टार फिश, इसको बोलते हैं रेड लिंकी स्टार। प्राइस रेट कितना है? प्राइस रेट रीजनेबल है, रेड लिंकी स्टार का प्राइस है आपको लगभग 900-950 रुपए में यहाँ से मिल जाएगा। और इंपोर्टेड जो ब्लू डैमसेल है ये आपको 750-800 रुपए में इधर से मिल जाएगा। और जो ब्लू ग्रीन क्रोमिस है उधर घूम रहा है वो सब आपको 650-700 रुपए के आजू बाजू में मिल जाएगा। अच्छा, अगर कोई एक दो चाहते तो मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, एक दो अगर फिश चाहे तो वो भी मिल सकता है हम लोगों के पास। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं लायन फिश। देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का मछली है, देखिए इतना अच्छा क्वालिटी का मछली है। देखिए इसको बोलते हैं लायन फिश, खाने के लिए इधर उधर आ रहा है। और बगल में और एक मछली है, देखिए इसको बोलते हैं ईल, लिपर्ट ईल। ये ट्रेनिंग दिया गया हुआ है खाने के लिए, इसी के कारण इधर उधर घूम रहा है। इसका एक्चुअली प्राइस है ये लायन फिश का 1500-1600 रुपए। और ये ईल फिश, इसका ये बहुत रेयर है, ये मिलता नहीं है, लेपर्ड ईल, इसका प्राइस है 3500 रुपए। तो ये फिश का नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्लाउन फिश, ट्रू पर्कुलर क्लाउन। और इसको हम लोग नीमो के नाम से जानते हैं, नीमो फिश। इसको बोलते हैं ब्लू रिंग एंजल। पेयर मिल जाएगा ना? ये मिल जाएगा, सभी पेयर मिल जाएगा, लेकिन ये सब इतना कम मिलता है ना, तो सिंगल सिंगल पीस ही आता है, लेकिन मिल जाता है।
ये जो मछली देख रहे हैं इसको बोलते हैं पिकासो क्लाउन। ये वैरायटी टैंक ब्रीडेड है, बहुत अच्छा क्वालिटी का मछली होता है। इसका प्राइस है 1800 से 2200 रुपए के आजू बाजू में होता है। हाँ, इसको बोलते हैं क्लार्की क्लाउन, ये भी इंडियन ओशियन का मछली है, 1000 रुपए के आजू बाजू में इसका प्राइस भी मिल जाता है। ये जो देख रहे हैं ये मछली छुप गया था, इसको बोलते कॉन्विक टैंक, सफ़ेद कलर का मछली है। और ये जो निकल गया अभी, इसको बोलते क्लाउन सर्जन टैंक। देखिए दो टाइप का छोटा छोटा मछली है, एक है कॉन्विक टैंक और दूसरा है देखिए रेनबो कलर टाइप का है, वो है क्लाउन सर्जन टैंक। क्लाउन सर्जन टैंक और कॉन्विक टैंक इम्पोर्टेड फिश होता है। क्लाउन सर्जन टैंक का एक्चुअल प्राइस है 2200 से 2500 रुपए और कॉन्विक टैंक का प्राइस है सेम है 2200 से 2500 रुपए। एंजल का नाम बताएगा तो। ये एंजल टाइप का जो फिश है उसका नाम है मॉरिश शैगल। जो येलो कलर का आपको दिख रहे हैं अब वो है गोल्डन ट्रेवली, एक ट्रेवली फिश है। अच्छा। और ये है आपका श्रिम्प आ गया है, बॉक्सर श्रिम्प, ये भी बहुत अच्छा है, कोरल बैंडेड श्रिम्प और बॉक्सर श्रिम्प वही है। और ये आपका स्पॉटेड हॉक फिश जो ब्लैक कलर का जा रहा है पीछे वाला, स्पॉटेड हॉक फिश है। और एकदम पीछे है क्लार्की क्लाउन, उसका हाँ उसका कॉलोनी है उधर। अच्छा। वो उधर ही है उसका क्लार्की का। अच्छा। और प्राइस का अंदाज क्या है? प्राइस आपका मॉरिश शैगल का आपका 1500 टू 1800 के ऊपर आसपास रहता है, वेरिएशन करता है और ट्रांसपोर्टेशन का। हाँ हाँ, जो एंजल टाइप का आता है। अच्छा, अच्छा, और जो गोल्डन टाइप का आता है वो आप 800 से 1200 तक अप एंड डाउन होता है इसका प्राइस। अच्छा, ठीक है। और क्लार्की का 700 से 11 तक अप एंड डाउन होता है, 700 से 1100 तक। और पीछे जो आप बताए ना वो स्पॉट वाला, हाँ स्पॉट वाला हॉक फिश, वो 1000 में आपको आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बढ़िया कलेक्शन है दोस्तों। इधर कुछ डॉक्टर रेशनल, हाँ डॉक्टर ऐसे है, ये 500 प्राइस है, 500 प्राइस, वो सब फीडिंग कंडीशन में है। अच्छा, खाना दिया गया है वो आ जाएगा समय। देखिए दोस्तों खाना देने के बाद ही क्या कर रहा है इधर। ये दोनों टैंक गया और उसके बाद क्या आएगा, क्या ऊपर ऊपर है क्लार्की है और ये डक्टरस है। अच्छा। और पीछे रेड वाला जो दिखा रहा है वो क्वीन कोरिस जुवेनाइल है, क्वीन कोरिस जुवेनाइल रेड टाइप का आता है वो। अरे बेड है ना, हाँ ये आपका एनिमोनी का बेड है जो क्लार्की क्लाउन उसका अंदर है, सोया हुआ है। आपका ये आएगा आपका 1100-1200 इसमें अंदर आता है आपका, हाँ उसके अंदर आता है। और डॉक्टर इसका मालूम है आपको 500 तक आता है, और क्लार्की क्लाउन आपका 900 से 1000 तक आ जाता है। और ये टैंक में क्या क्या है दादा? इसमें है आपका ब्लू कलर का डैमसेल मिल जाएगा, ब्लैक कलर का डैमसेल आ जाएगा, और सीवे क्लाउन है उसमें अंदर, और आपका गोभी और आपका पिस्टल श्रिम्प का पेयर मिल जाएगा इसमें के अंदर, जो एक साथ रहते हैं गोभी और पिस्टल श्रिम्प, दोस्त हैं दोनों। ये मछली का नाम क्या है? स्पॉटेड एक कलर, स्पॉटेड थ्री स्पॉटेड डैमसेल, उसका व्हाइट कलर का 3 स्पॉट है ब्लैक के ऊपर। अच्छा, थ्री स्पॉटेड डैमसेल है, हाँ। और इसको क्या बोलते हैं? एनिमनी, कार्पेट एनिमनी। अच्छा, जिसके अंदर वो रहता है। और थोड़ा वायलेट कलर का जो, हाँ वायलेट कलर का जो आता है वो आपका ब्लू डैमसेल है। अच्छा, वो डर जाने के बाद मतलब काला छोड़ देते हैं? हाँ काला छोड़, काला हो जाता है। ओ अच्छा अच्छा, वो फिर से आ जाता है, वो कलर चेंज करता है। अच्छा, और एक क्लाउन का नाम क्या है? ये आपका सीवे क्लाउन आ जाता है, सीवे क्लाउन। कोई कोई नॉर्मल क्लाउन बोलता है, कोई कोई ब्लैक क्लाउन बोलते हैं। अच्छा, इसका प्राइस बताइए। इसका प्राइस है आपका 350
350 है और इसका साइज जितना आया है अभी तक 350 का है। इससे बड़ा आ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर 450 तक जा सकता है। येलो कलर का फिश है, उसका नाम है स्वीट लिप्स। वो आपका ड्राई फ्रूट और श्रिम्प वगैरह खाते हैं। उसका प्राइस आपका लगभग आएगा 1000 से लेके 1500 तक। मतलब स्टारफिश है ना? हाँ, स्टारफिश आ जाएगा। आपका सैंड शिफ्टिंग स्टारफिश है, उसका प्राइस आएगा 1000। तो ये मछली का नाम क्या है? आपका जो येलो कलर का दिख रहे हैं वो लैटेल एंथियस है, एंथियस। अच्छा। और रेड कलर का सामने जो है वो आपका रेड चेकर्ड एंथियस है। हाँ, रेड चेकर्ड एंथियस। हाँ, और पीछे वो जो है? हाँ, पीछे जो घूम रहा है उसका नाम है स्पॉटेड रैस। स्पॉटेड रैस का नाम है स्पॉटेड रैस। प्राइस अभी क्या चल रहा है? हाँ, स्पॉटेड रैस का प्राइस आपका मिल जाएगा 1100 से लेके 1300 तक उसका प्राइस है। और आपका रेड कलर का जो एंथियस आपने दिखाया, हाँ, ये रेड कलर का एंथियस का प्राइस आपका आएगा 800 से 900 तक। और येलो कलर का जो एंथियस है, लैट टेल एंथियस, वो थोड़ा थोड़ा हाई प्राइस है, उसका प्राइस आएगा आपका 1500 तक। और ये श्रिम्प है ना? हाँ, वो कैमल श्रिम्प है, रेड कलर का कैमल श्रिम्प। उसका प्राइस थोड़ा कम है, उसको 700 से 900 तक अप एंड डाउन होता है। कैमल क्यों बोलते हैं? पीठ के ऊपर एक देखिए बड़ा सा कैमल के तरफ पूंछ है। अच्छा, इसलिए। हाँ, इसलिए उसका शेप के वजह से उसको कैमल सिम कहते हैं। इसका नाम बताइए। जो पीछे ब्लू टाइप का दिख रहा है वो उसका नाम है ब्लूटूथ टीगर फिश। टीगर फिश तीन है? हाँ, थ्री पीसेस है। अभी कुछ कस्टमर लेके गया है, सिक्स पीस आया था। अच्छा, बहुत कॉस्टली, मेरी बहुत कॉस्टली है, इसलिए कम आते हैं ना? हाँ, कम मंगाते हैं, कस्टमर भी डेलीगेटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा तो मछली एफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना। तो ये प्राइस का, इसका प्राइस आपका 1500 आता है। 1500? हाँ हाँ। अच्छा, पानी में सॉल्ट देना ही पड़ेगा ना? हाँ, सॉल्ट का देना ही पड़ेगा, सॉल्ट का डेंसिटी मेंटेन भी करना पड़ेगा आपको। 1.02 से 1.025 तक मेंटेन करना पड़ेगा। तो इधर है आपका एडल्ट इंपीरियल एंजल। हाँ, एडल्ट साइज एवं गुड फीडिंग कंडीशन में है। अच्छा, और थोड़ा कीमत क्या है बताइए? इसका प्राइस आएगा आपका 3000। 3000? हाँ, पर पीस। मेल और फीमेल क्या है? ये मेल फीमेल, ये मेल है। मेल है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अगर कोई मेल फीमेल, इधर है ईल। हाँ, एक गोल्डन हेड ईल है, इस शॉप में रहते हैं, 2 साल से है मेरे पास। बिकने का नहीं, मतलब बिकेगा नहीं, ऐसे शॉप का क्या कहते हैं, मेरे को पिट्स है, बच्चे लोग जो आते हैं ना उसमें एंटरटेनमेंट करते हैं। इसमें ये आपके लिए है? हाँ, मेरे लिए।